कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए YJ सक्सेस ट्रैक को और करें अपने ITI एंड बॉयलर बेस्ड फॉर PSU जॉब का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नेक्स्ट है हमारा बॉयलर। अब बॉयलर क्या कहलाएगा? बॉयलर तो हम लोग नॉर्मली बोल देते हैं कि बॉयलर है, पानी उबालते हैं, बात खत्म। ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर IBR के टर्म्स में अगर उसको देखा जाए तो बॉयलर का मेन डेफिनेशन क्या होता है? बॉयलर मींस अ प्रेशर वेसल इन विच स्टीम इज जनरेटेड फॉर यूज एक्सटर्नल टू इटसेल्फ बाय एप्लीकेशन ऑफ हीट विच इज होली या पार्शियली अंडर द प्रेशर व्हेन स्टीम इज सेट अप बट डज नॉट इंक्लूड अ प्रेशर वेसल। ठीक है, बॉयलर हम लोग किसको बोलेंगे? जो पूरी तरीके से या पार्शियली किसके संपर्क में हो? हीट के संपर्क में हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? बॉयलर बोलते हैं। बट बॉयलर में क्या होगा, इसको थोड़ा सा स्टीम जनरेट कर किया जाएगा। अब स्टीम जनरेट करने के लिए हम लोग डिफरेंट टाइप्स के उसमें पाइप लगाएंगे, वॉल्स लगाएंगे, है ना, बहुत सारे पाइप और वॉल्स का उपयोग किया जाएगा। तो इसका बेसिक चीज क्या होना चाहिए, इसको पहले देखते हैं। Does not include a pressure vessel. Does not include a pressure vessel मतलब किसको हम लोग pressure vessel पे include नहीं करते हैं। तो boiler किसको हम लोग नहीं बोलेंगे, इसको देखते चलते हैं। With capacity less than 25 liters. किसी भी boiler का capacity यदि 25 liter से कम है तो उसे हम लोग boiler नहीं बोलेंगे। लेकिन 25 लीटर से ज्यादा यदि वो स्टीम जनरेट करता है और वाटर को स्टीम के फॉर्म में कन्वर्ट करता है तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे? बॉयलर के नाम से जानते हैं। ठीक है, सच एज कैपेसिटी बीइंग मेजर्ड फ्रॉम द फीड चेक वॉल्व टू द मेन स्टीम स्टॉप वॉल्व। कहां से कहां तक को मेजर करेंगे हम लोग? फीड चेक वॉल्व से लेकर के, देखो यहां पर वाटर सप्लाई हो रहा है, इस एरिया में क्या रहता है? फीड चेक वॉल्व होता है। फीड चेक वाल्व से लेकर के कहां तक हमको लेना है? मेन स्टीम स्टॉप वाल्व। अब मेन स्टीम स्टॉप वाल्व कहां पर रहेगा? ये जो सुपर हीटर का आउटलेट है तो यहां पर होता है मेन स्टीम स्टॉप वाल्व। इन दोनों के बीच का डिफरेंस पर जितना कितना होना चाहिए अपने को? मिनिमम 25 लीटर पानी से ज्यादा होना चाहिए, तब हम लोग इसको क्या बोलेंगे? बॉयलर बोलेंगे, अन्यथा बॉयलर नहीं बोला जाएगा। और भी चीजें हैं, दूसरा आता है With less than the 1 kg per centimeter square design gauge pressure and working gauge pressure. अब जिसका atmospheric pressure से भी कम pressure हो, मतलब atmospheric pressure कितना होता है? Atmospheric pressure होता है 1.013 kg per centimeter स्क्वायर होता है। अगर इससे नीचे हो जाएगा हमारा प्रेशर तो हम लोग उसको क्या? बॉयलर नहीं बोलेंगे। तो अपना क्या होना चाहिए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अधिक होना चाहिए, मींस 0.013 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से हमारा प्रेशर क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए, तब जाके हम लोग उसको क्या बोलेंगे? बॉयलर के रूप में जाना जाएगा। मीन्स उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होना चाहिए, कैपेसिटी 25 लीटर से ज्यादा स्टीम जनरेट करने का होना चाहिए। तीसरा पॉइंट देखते हैं, इन विच वाटर इज हीटेड बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से यदि कम है तो यह बॉयलर के अंदर नहीं आता। जैसे यदि किसी बर्तन में आप पानी को बॉइल्ड कर रहे हो तो वो हमारा बॉयलर नहीं होगा। कुकर है तो कुकर में 25 लीटर पानी को हम बॉयल नहीं करते और सुपर हीटेड में कन्वर्ट नहीं करते, इसलिए वो बॉयलर पे नहीं आता। तो यहां पर अपने को करना क्या है, किसको हम लोग बॉयलर बोलेंगे? तो बॉयलर हम किसको बोलेंगे? जिसका मिनिमम कैपेसिटी 25 लीटर से अधिक हो, साथ ही साथ जिसका प्रेशर 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर या उसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे ज्यादा प्रेशर होना चाहिए, साथ ही साथ जो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा टेम्परेचर पर क्या करे, वो स्टीम की फॉर्मेशन करे, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? बॉयलर बोलेंगे IBR एक्ट के तहत। ठीक है, कोई भी बोलता है कि हम कुकर को भी बॉयलर बोल देंगे क्या, तो बॉयलर हम नहीं बोल सकते उसको, क्योंकि
100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा चलो टेम्परेचर तो होता है, लेकिन उसका प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी ज्यादा हो जाएगा, लेकिन वो 25 लीटर जो है स्टीम जनरेट नहीं करता है। साथ ही साथ में 25 लीटर की बात आ रही है तो वह क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम जो होते हैं उन सभी चीज को अपने को ध्यान में रख करके करना, ठीक है। तो बॉयलर हमारा क्या होगा, और वो सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो कहां से कहां तक मेजर किया जाएगा, ये जो 25 लीटर है ये पानी कहां से कहां तक मेजर किया जाएगा, तो फीड चेक वाल्व से लेकर के आपके ड्रम में जितना भी पानी वानी भरा होगा और वहां से लेकर के मेन स्टीम हेडर तक। स्टीम आइसोलेशन वॉल तक का एरिया उसमें टोटल हमारा 25 लीटर पानी से ज्यादा का होना चाहिए, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, बॉयलर के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। इसको लिखते चलिए सब चीज को।